अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक किचन विद बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इस प्यारी सी दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बुनी हुई सेवैयाँ, जो कि हर घर में बनती हैं। मैं आपसे अपना तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ना ही हम इसमें दूध डालेंगे और ना ही हम इसमें शीरा बना कर डालेंगे, लेकिन फिर भी ये मज़ेदार बन कर तैयार होती हैं। चलिए चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। बुनी हुई सेवैयाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये सेवैयों का पैकेट ले लिया है, इसमें से मैं आधा डालूँगी, आधा कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने सेवैयों को ले लिया, आधा पैकेट लिया है सेवैयों को, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसको बर्तन में डाल के इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी, ताकि जब हम इसको भूनें तो भूनते वक्त हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए ये बॉल ले लिया बड़ा, इसके अंदर मैं तोड़ लूँगी। देखिए मैंने इसको तोड़ लिया, तोड़ लीजिएगा बड़े बर्तन में डाल के। जब हम इसको तोड़ते हैं उड़ के ऐसी जाती है रोबोट की तरह, मैसी मैसी हर तरफ खिलक जाती है। ये देखिए मैंने तोड़ ली, अब इसको हम भून लेंगे। आप जिस दो इंची मर्जी चाहे सेवैयाँ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी सेवैयों को अब हम भूनना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे देसी घी। देखें घर का बना हुआ दानेदार देसी घी है, एक चमचा डालूंगी। वो ज़रूरत होगी तो बाद में डाल लेंगे, इसको गर्म होने देते हैं। अब इसके अंदर हम सेवैयों को डाल देंगे और इनको भून लेंगे। देसी घी में बहुत मज़ेदार बनती है। अगर देसी घी नहीं है तो आप आम जो घी होता है वो भी ले सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम भून लेंगे, अगर घी की ज़रूरत हुई तो मैं इसमें डाल लूँगी। और मैं डालूँगी इसमें एक और चम्मच घी का, दो चम्मच डालें, दो चम्मच मैंने डाल दिए देसी घी के। अब ये काफ़ी रहेगा, मिक्स कर लेते हैं। अब सेवैयों को इतनी देर तक भूनेंगे इस पर प्यारा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा और कलर खुशबू आने शुरू हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे, हल्की आँच पे, नॉर्मल आँच पे, ना ज़्यादा तेज़ होगी आँच और ना ज़्यादा हल्की होगी। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सेवैयाँ भून चुकी है, प्यारा सा कलर आ चुका है, खुशबुएँ कमाल की आ रही हैं। अब मैं इसमें अंदर, ये मेरे पास 2 कप सेवैयों के हैं, अब इसके अंदर डालेंगे चीनी 1 कप। 1 कप भर के मैंने चीनी का डाल दिया, साथ ही डाल देंगे हम पानी। दो कप डाले मैंने पानी के, आंच को करेंगे हल्का, अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। ये 2 कप पानी के अंदर ही अच्छी तरीके से पक जाएगी, हल्की आंच पे रखेंगे। 1/2 टीस्पून है पीसी हुई इलायची, इसको भी साथ ही डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। दम वाली आंच पे हम इसको छोड़ देंगे। बीच में आप चमचा चला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये देखिए अभी नहीं हुई, ये देखिए इसके अंदर पानी है और पकेगी अच्छी तरीके से, गल भी जाएगी। पानी जितना डाला है 2 कप भर के वो सही रहेगा, वो चीनी भी इस हिसाब से बेहतरीन है, ठीक है। अब इसको पकने देते हैं, गलने देते हैं। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरे पास किशमिश है थोड़ी सी,
और थोड़ी सी नारियल है जिसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया, इसको और मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बादाम है तो बादाम भी डाल लीजिएगा। ये देखिए मज़ेदार सी 5 मिनट में बनने वाला मीठा भुनी हुई सेवैयाँ बिल्कुल तैयार है। अब इसकी आग को मैं करूँगी बंद। देखिए बिल्कुल खिली खिली सी बनी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। लीजिए मज़ेदार सी भुनी हुई सेवैयाँ बिल्कुल तैयार है। कम चीज़ों से और कम वक्त में बनके ये तैयार हो जाता है, बनती भी बहुत मज़ेदार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी किशमिश ऊपर से। ये थोड़ा थोड़ी सी नारियल ऊपर लगा देंगे। ये इसको मैंने नारियल से और किशमिश से गार्निश कर दिया है। अगर आप बादाम है तो बादाम भी लगा सकते हैं। बेहद मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, सबके घरों में बनने वाली है, बनती है ये रेसिपी। हर एक का बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। ये आज आपसे मैंने अपना तरीका शेयर किया है छोटा सा। अगर भूख लग रही हो तो फटाफट मीठा खाने को दिल कर रहा हो तो फटाफट आप ये वाली सेवैयाँ बना के अपनी भूख को मिटा सकते हैं। कैसी लगी ये रेसिपी लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।